Hi guys, welcome back to my channel. I am Divyanshi and I am here again with my new video. So guys, आज मैं share करने वाली हूँ हमारे channel के first birthday का part 2, मतलब कि celebration part. इसमें मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसे हमारे channel का first birthday celebrate किया और क्या क्या किया. So video के end तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उन subscriber के name भी लेने वाली हूँ जिन्होंने guess किया था कि आज क्या है. So I am very excited for the today's video. So yeah, let's get started. सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग से. सो इधर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कि ड्रेसेस ख़रीद रहे हैं और अभी एक्सेसरीज़ ख़रीदेंगे और थोड़ा पार्टी वगैरह का सामान ख़रीदेंगे डेकोरेशन का. सो इसे धीरे धीरे हम लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं. सो गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर डेकोरेशन अभी नहीं स्टार्ट किया ना तो केक कटिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. सो मैंने इधर डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है और इधर मैं जो हैप्पी बर्थडे का बैनर होता है ना, उसको मैं अच्छे से असेंबल कर रही हूँ रिबन की हेल्प से. और इसका पैकेट जब मैंने खोला, सारे लाइक ABCD सारे लेटर्स इतने लाइक फंकी और कलरफुल थे ना कि मुझे इतना लाइक अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ. एंड जैसे कि आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने मॉर्निंग से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कुछ खास किया भी नहीं था. बस अपना एग्ज़ाम दिया एंड देन मम्मी ने कुछ स्पेशल लंच बनाया, उसे खाया एंड देन अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की. और हाँ, कल मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम है जो मुझे नहीं पसंद है संस्कृत बिल्कुल भी, पर ठीक है, एग्ज़ाम है तो उसे टाल तो थोड़ी ना सकते हैं. सो येस, अब मैं अपना डेकोरेशन जो है उसे कम्प्लीट कर लेती हूँ. सो गाइज, इधर मैंने सारे लेटर्स को अच्छे से असेंबल कर दिया है और इधर मैं जो फॉइल कर्टेंस मैंने ख़रीदे थे गोल्डन कलर में, उन्हें मैं इस वॉल पे लगा रही हूँ. और मैंने ये कॉर्नर चूज़ किया है डेकोरेशन करने के लिए और यहीं पर हमारा सारा सेलिब्रेशन भी होगा. सो बस मैं इन्हें लगा रही हूँ और इनकी वजह से सच में इतना अच्छा लुक आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना भरा भरा और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसे लगाने के बाद. सो गाइज, इधर मैं दीदी से कह रही थी कि मेरे लिए अमूल की लस्सी लेते आना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अमूल की लस्सी. और वो बर्थडे केक लेने जा रही थी इसीलिए. और इधर मैंने हमारे जो फॉइल कर्टेंस वाले स्ट्रीमर्स हैं उन्हें लगा दिया है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ. और इधर मैं हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा रही हूँ और मैं
मेरी आदत एक्चुअली कि मैं जो भी करती हूँ परफेक्शन के साथ करती हूँ, भले थोड़ा होता है मेरे से लेकिन परफेक्शन के साथ करती हूँ। तो आप भी देख सकते हो अच्छे से मेजर वेजर करके मैं अच्छे से लगा रही हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा डेकोरेशन हो गया है और डेकोरेशन करने में बहुत मेहनत लगी पर रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा लग रहा है। सो अब बारी है रेडी होने की, क्योंकि रेडी होंगी तभी ना पार्टी एंजॉय करूँगी। सो ये देखिए इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चलिए अब पार्टी एंजॉय करते हैं। को एक साल कंप्लीट हो गया है, मतलब कि आज ब्लूमिंग बडी का फर्स्ट बर्थडे है और आप सबका भी फर्स्ट बर्थडे जो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और आगे भी देते रहिएगा। तो चलिए फाइनली केक कटिंग कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So guys, केक कटिंग होने के बाद मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। सो इधर मैंने दो डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ास ऑर्डर किए हैं स्विगी से, और एक है फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा और एक है मार्गरीटा पिज़्ज़ा। मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा लेने के बाद थोड़ा रिग्रेट हो रहा था, मैंने सोचा कि यार कोई दूसरा ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर चलो ठीक है अब ले लिया तो क्या कर सकते हैं। सो इधर मैं चिली फ्लेक्स से और टोमेटो केचप से पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। और जिसे जिसे पिज़्ज़ा पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कौन सा पिज़्ज़ा फेवरेट है। सो ये लीजिए, आप ये टेस्टी पिज़्ज़ा खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। और सच में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा भी हो जाए। सो इधर हम लोग अमूल की आइसक्रीम खाएंगे और मुझे चॉकलेट कोन वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। एंड यही था हमारा सेलिब्रेशन व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। सो यस, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है स्टोरी टाइम बात तो उसे भी ज़रूर जाके देखेगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब मैं उन सब्सक्राइबर के नेम लेने वाली हूँ जिन्होंने गेस किया था कि आज क्या है एज आई प्रॉमिस्ड यू इन माई स्टडी व्लॉग वाला वीडियो। सो फर्स्ट नेम है सृष्टि गुप्ता, उन्होंने गेस किया था कि आज मेरा बर्थडे है बट नहीं, मेरे चैनल का बर्थडे है। देन मिहिका श्रीवास्तव, उन्होंने भी गेस किया था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरे चैनल का है। लेकिन तो मुझे लगता है कि आपने मेरा बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, अगेन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑफकोर्स मेरी एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं रूम टूर वीडियो दूँ। सो एक्चुअली अभी मैं अपने न्यू रूम में शिफ्ट हुई हूँ और अभी उसे मैंने बिल्कुल भी ना डेकोरेट किया है, ना सेट किया है, ना न्यू फर्नीचर्स रेडी हुए हैं। सो अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसी वजह से मैं डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। सो जब मेरा रूम अच्छे से रेडी हो जाएगा
का सेट हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसका रूम टूर वीडियो ज़रूर दे दूँगी। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।